तो इस पार्ट में हेलो सीरीज की आगे की स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। और पहले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर चीफ जब उस डिवाइस को छूता है तो उसकी मेमोरीज वापस आ जाती है, और इसीलिए वो क्वेन को बचाने के लिए अपनी स्पेसशिप लेकर भाग जाता है प्लैनेट रीच से। और इस पार्ट में स्टोरी के आगे बढ़ने से पहले कहानी पीछे जाती है ऑलमोस्ट 20 साल पहले, जहाँ पर मास्टर चीफ की ट्रेनिंग चल रही होती है स्पार्टन ट्रेनिंग कैंप में। और देर रात को ये किसी वजह से परेशान होता है और एक गन लेकर ये बाहर जाता है अपने कैंप से, और सभी ड्रोन कैमरा से बचते हुए ये बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर जाता है, जहाँ पर हम एक और स्पार्टन को देखते हैं जो कि यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा होता है। और इस पर्सन का नाम होता है सॉरन, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड होता है और इसे जॉन कह के बुलाता है, और साथ ही उससे पूछता है कि उसने अपनी आर्मर क्यों नहीं पहनी, जिस पर जॉन कहता है कि वो उसके साथ नहीं चल रहा, और साथ ही वो उसे भी भागने से मना करता है कि ये सब गलत है और वो उसे ऐसा करने भी नहीं देगा, और अपनी बात मनवाने के लिए वो उस पर गन तान देता है कि वो उसे यहाँ से जाने नहीं दे सकता। सिंपल शब्द में समझें तो सॉरन अभी भी अपनी सोचने समझने की एबिलिटी को यूज कर रहा होता है, और सही और गलत का फैसला कर वो यहाँ से भाग रहा होता है निकलकर। ऑन द अदर हैंड जॉन का वो लोग ब्रेन वॉश कर चुके होते हैं, इसलिए इसके पास कोई और रास्ता नहीं होता उनके ऑर्डर्स को फॉलो करने के अलावा, और इसलिए सॉरन जब उसे मनाने की कोशिश करता है अपने साथ चलने के लिए तो वो उसकी बात मानता भी नहीं, जिससे सॉरन उसे आखिरी बार कहता है कि अगर मारना चाहता है तो मार दे, पर ये डिसीजन तेरा खुद का होना चाहिए, किसी और का नहीं। जिसे जॉन अपने गन को नीचे करते हुए उसे सिर्फ 5 मिनट का टाइम देता है यहाँ से निकलने के लिए, कि इसके बाद वो सबको इन्फॉर्म कर देगा उसके बारे में, जिसे सॉरन उसे एक आखिरी बार अपने साथ चलने के लिए कह के वहाँ से निकल जाता है। और कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो चीफ अपने उसी दोस्त के पास जा रहा होता है जिसकी लोकेशन के बारे में सिर्फ इसे ही पता होता है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए इन्हें गुजरना पड़ता है एस्टेरॉयड बेल्ट से, जो कि एक तरह से अपनी जान को दांव पर लगाने के बराबर होती है, क्योंकि सॉरन ने सभी तरह के खतरों से बचने के लिए इन्हीं एस्टेरॉयड बेल्ट में अपनी दुनिया बसाई होती है, और वो भी एक बड़े से एस्टेरॉयड के ऊपर। तो वहीं प्लैनेट रीच पर जॉन को वापस लाने के लिए बाकी स्पार्टन्स को कहा जाता है, जिनमें से एक स्पार्टन जब कहती है कि वो खुद ब खुद वापस आ जाएगा तो वैनिक नाम का ये स्पार्टन इस बात से एग्री भी करता है, और साथ ही ये भी कहता है कि चीफ के पास हमेशा ही कोई ना कोई प्लान होता है, इसलिए हमें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। और ये सभी लोग निकल जाते हैं चीफ की लास्ट लोकेशन की ओर, जहाँ पर उसकी ट्रैकिंग डिवाइस ऑफ हुई थी। तो वहीं चीफ जब उस एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर जाता है तो सॉरन के सारे साथी उसे देखकर डर जाते हैं, क्योंकि ये एक स्पार्टन होता है एंड स्पार्टन मींस खतरा, और इसीलिए सभी लोग इस पर गन तान देते हैं और इसका रास्ता ब्लॉक करते हैं इसे रोकने के लिए, बट ये रुकने वालों में से नहीं होता और बिना वॉलेंस का यूज किए ये आगे बढ़ता रहता है, जिससे कुछ देर बाद ठीक यहीं पर आता है सॉरन और सबको शांत करने की कोशिश करता है कि अगर वो तुम्हें मारना चाहता तो वो बहुत पहले ही मार चुका होता। और सॉरन यहाँ पर अपने बेस्ट फ्रेंड को देखकर काफी खुश होता है, और यहाँ पर उसके आते ही वो उसे इनाम के बारे में बताता है जो कि यूनेसी ने क्वेन पर लगाया होता है उसका सर लाने के लिए, और क्वेन को बताता है कि उसके डैड के मरने के बाद अब विंचर नाम का पर्सन रूल कर रहा है मेडिकल पर, जो कि एक तरह से यूएनएससी का वफादार होता है, और यही पर्सन क्वेन को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा होता है। और इस जगह के बारे में बताते हुए सॉरन जॉन को कहता है कि यहाँ पर दुनिया भर से भाग कर आए लोग रहते हैं, कोई रूल नहीं, कोई रोक टोक नहीं, सभी लोग एकदम आजाद, अपनी मर्जी के मालिक। और ऐसे ही और भी ढेर सारी बातें बताते हुए वो उसे अपने घर लेकर जाता है और अपनी छोटी सी फैमिली से मिलाता है, जो कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है उस जगह पर। और ये सारी चीज देखकर जॉन एक तरह से हैरान सा हो जाता है, क्योंकि उसने शादी और फैमिली के बारे में कभी सोचा ही नहीं होता। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है एक एलियन प्लेनेट की ओर, जहाँ पर वो भाग कर आया हुआ एलियन सब कुछ बता रहा होता है उस डिवाइस के बारे में कि उस स्पार्टन के छूते ही क्या क्या हुआ। और ये सारी बातें सुनकर ये लेडी करती है स्माइल, जैसे कि इसे पता हो कि वो डिवाइस किस काम आती है। और यही सारी बातें सुन ये एलियन उस डिवाइस को कीस्टोन बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें किसी भी हाल में उस डिवाइस को अपने पास लाना होगा। और सेम उसी डिवाइस को लेने जाने की बात करती है ये लेडी, कि वो एक इंसान है और इंसानों के बीच में वो आसानी से घूम फिर सकती है और किसी को उस पर शक भी नहीं होगा, जिस पर ये लोग उसे भेजने से मना कर देते हैं। और इस बात का 2 मेन रीजन होता है। पहला ये कि अगर इसने उन्हें धोखा दिया तो उनकी लोकेशन डिस्क्लोज हो जाएगी, जो कि एक तरह से खतरे वाली बात होती है। और दूसरा ये कि सिर्फ यही लड़की उस डिवाइस को ऑन कर सकती है, और यहाँ से भागकर अगर वो दोबारा इनके हाथ नहीं आए तो उस डिवाइस को ये लोग यूज ही नहीं कर पाएंगे। और इन सारी बातों को ये भी जानती होती है, इसलिए ये लॉयल्टी और वफादारी की बातें करती है इनके सामने कि वो उन्हें कभी भी धोखा नहीं देगी। और ऐसे ही और भी ढेर सारी बातें करती है उन्हें कन्विंस करने के लिए, जिससे ये लोग मान ही जाते हैं उस डिवाइस को वापस लाने के लिए। और फिर से यहाँ से शिफ्ट होती है प्लैनेट रीच पर, जहाँ पर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही होती है इन सब को लेकर,
जहां पर चीफ को सख्त से सख्त सजा देने की बात की जा रही होती है इन सब के लिए, जिसे एक पर्सन क्वेश्चन उठाता है कि ऐसा करने पर अगर बाकी के स्पार्टन्स भी उनके खिलाफ हो गए तब क्या होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर करती है डॉक्टर कैथरीन, और अपने कोर्टाना प्रोजेक्ट के बारे में वो सबको बताने लगती है कि वो उसका यूज करके स्पार्टन्स की सोचने समझने की एबिलिटी को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगी एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस से, और इसके बाद कोई भी स्पार्टन उनके ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जा सकता। जिस पर एक लेडी इसे एक्सप्लेन करने के लिए कहती है अपने इस कोर्टाना प्रोजेक्ट को, जिसे ये बताने लगती है कि स्पार्टन उनकी अब तक की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, बट इससे भी एक बेहतर ऑप्शन है कोर्टाना, क्योंकि वो ह्यूमन नहीं है बट उसमें ह्यूमन की तरह सारी एबिलिटीज हैं, और अगर हम उसे स्पार्टन्स की तरह यूज करें तो स्पार्टन कई गुना ज्यादा खतरनाक, भरोसेमंद और कंट्रोलेबल होंगे, और साथ ही हम उसे जब चाहे अपग्रेड कर सकते हैं डिफरेंट मिशन के लिए। इन शॉर्ट ये बता रही होती है कि उसने दुनिया के सबसे खतरनाक रोबोट बनाई है और वो उसे रिप्लेस करना चाहती है स्पार्टन से, ताकि उनका कोई भी मिशन फेल ना हो। एंड ऑफ कोर्स इसके अगेंस्ट सवाल उठाती है एक लेडी, और वो भी इसी के दिए हुए थीसिस के आधार पर, कि एक रोबोट अगर ह्यूमन से ज्यादा खतरनाक हो गया तो वो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक खतरा है, जिसे ये भी इस बात से एग्री करती है, बट साथ ही वो ये भी कहती है कि अगर वो उसे यूज करते हैं तो वो कोवेनेंट के अगेंस्ट सबसे अचूक हथियार होगा, और साथ ही वो इस जंग को बड़ी ही आसानी से जीत लेंगे। और ये कोवेनेंट शब्द यहाँ पर उन एडवांस एलियंस के लिए किया जा रहा होता है जिन्हें ये लोग खतरे के रूप में देख रहे होते हैं। और इस कोर्टाना के बारे में एक पर्सन एडमिरल का ओपिनियन पूछता है कि उसकी क्या राय है इन सब के बारे में, और ये एडमिरल एक तरह से फंस चुकी होती है कैथरीन के चक्रव्यूह में, और इसीलिए इसे ना चाहते हुए भी कोर्टाना के लिमिटेड ट्रायल की परमिशन देनी पड़ती है। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है मैड्रिगल की तरफ, जहाँ पर विंचर नाम का ये पर्सन कुछ लोगों को मार रहा होता है जो कि शायद क्वेन्हा के क्लैन से बिलोंग करते हैं, और इन्हीं सब की रिकॉर्डिंग को देख रही होती है क्वेन्हा, जो कि सॉरेन की वाइफ को सब कुछ बताती है इस विंचर नाम के पर्सन के बारे में, कि विंचर उसके डैड से हमेशा से ही नफरत किया करता था और उनके मरने के बाद वो उस मैड्रिगल पर राज कर रहा है। तो वहीं सॉरेन अपने फ्रेंड को कुछ फल देता है खाने के लिए, जिसको टेस्ट करने के बाद चीफ कहता है कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, मींस कि इसमें पूरी तरह से अभी भी इंसानी एबिलिटीज नहीं आई हैं। और इसी की वजह से सॉरेन उसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि एक स्पार्टन होने के नाते तो वो उनका ऑर्डर्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता, बट ऐसा करते हुए वो यहाँ पर आया है और वो भी एक बच्ची को लेकर, मींस कि कुछ तो हुआ है उसके साथ। और जब सभी लोग यहीं पर आते हैं तो सॉरेन उसे बताता है कि वो लोग ट्रेनिंग के नाम पर उनका ब्रेन वॉश करते हैं और उनकी सोचने समझने की एबिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि ऐसा करके वो लोग उन्हें एक हथियार की तरह यूज करना चाहते हैं जिसमें दुख, दर्द और दया की भावना ही ना हो, जो कि उनके सिर्फ एक इशारे पर किसी को ये मारने से पीछे न हटे। उन्हें एक इंसान नहीं, एक रोबोट चाहिए, और एक्सपेरिमेंट करके उन लोगों ने तुम्हें एक रोबोट ही बना दिया है, जिसकी वजह से तुम कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे और ना ही इस फल का स्वाद ले पा रहे हो। तो वही बाकी के स्पार्टन उस जगह तक पहुंच चुके होते हैं जहां पर चीफ ने अपनी जीपीएस को ऑफ कर दी थी, बट आगे के रास्ते में एस्ट्रॉइड बेल्ट को देखकर ये लोग रुक जाते हैं यहीं पर। तो वही चीफ उस डिवाइस को सॉरेन को दिखाता है, जो कि जब उससे पूछता है इसके बारे में तो ये कुछ भी नहीं बताता, बट इसका आंसर क्वेन जरूर करती है और कहती है कि जब उसने उस डिवाइस को छुआ तो वो जिंदा हो गई थी, और जैसे ही सॉरेन उसे हाथ लगाता है उस डिवाइस को कुछ भी नहीं होता, मींस कि चीफ ही उसे एक्टिवेट कर सकता है अपने डीएनए यूज करके। इसलिए सॉरेन उसे एक पर्सन के बारे में बताता है जो कि कोवेनेंट के शिप से भागकर आया होता है यहाँ पर, पर उसकी हालत कुछ खास ठीक नहीं होती, मोर लाइक वो एक पागल की तरह होता है जो कि उल्टी सीधी बातें कर रहा होता है हर एक चीज को लेकर। और उस डिवाइस को देखकर वो उसे की बताता है कि जब वो उनके शिप पर था तो उन लोगों ने उसे एक्टिवेट करने के लिए उसे कहा था, जो कि वो ऐसा करने में नाकामयाब रहा, क्योंकि उसे सिर्फ वही इंसान एक्टिवेट कर सकता है जो कि इंसान से बढ़कर हो। और इसकी अजीबोगरीब बातें यहाँ पर ठीक से समझ नहीं आती, इसलिए हम कह सकते हैं कि शायद ये यहाँ पर इमोशंस की बात कर रहा होगा। और ठीक इसी डिवाइस को लेकर वो उसके बारे में चीफ से पूछता है कि वो उसे कोवेनेंट को तो नहीं देगा, और जैसे ही ये कहता है नहीं तो ये पर्सन उसे उठाकर फेंकने लगता है उसे तोड़ने के लिए, जिसे जैसे ही चीफ पकड़ता है तो वो डिवाइस एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाती है और चीफ एक बार फिर से अपने बचपन को देखता है उस डिवाइस के जरिए, और जैसे ही चीफ उसे छोड़ता है तो वो डिवाइस एक बार फिर से हो जाती है बंद। और इन सब से बुरी तरह से डर चुका होता है ये पर्सन और उसे पूछता है कि तुम कौन हो, जिसे चीफ भी खुद के बारे में पूछता है कि वो कौन है। और हमें यहाँ पर बेवजह की नौटंकी देखने को मिलती है इन सब के बीच, जिसके एंड में चीफ को पता चलता है कि वो डिवाइस एक वेपन है जो कि सब कुछ खत्म कर सकती है, और इसीलिए कोवेनेंट उसके जैसे डिवाइस को हर प्लेनेट में जाकर ढूंढ रही है। और साथ ये पागल पर्सन उसे उस लड़की के बारे में भी बताता है जो कि कोवेनेंट शिप में मौजूद है और वो भी उस डिवाइस को ऑन कर सकती है ठीक उसी के जैसे। और ये सारी बातें सुनकर चीफ सॉरेन से रिक्वेस्ट करता है कि वो क्वेन्हा को अपने पास रख ले उसकी सेफ्टी के लिए,
क्योंकि इसने कोवेनेंट का वेपन देखा होता है जो कि किसी भी प्लेनेट को कांच में बदल सकता है देखते देखते। और अगर वो लोग इस वेपन की तलाश कर रहे हैं तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि ये वेपन और भी खतरनाक तबाही मचा सकती है। और इसीलिए ये कहता है कि इस वेपन को कोवेनेंट से बचाने के लिए उसे बाकी स्पार्टन्स की मदद चाहिए और साथ ही डॉक्टर कैथरीन की भी। और कुछ देर बाद वो यहाँ से निकलकर अपने जीपीएस को ऑन कर देता है ताकि बाकी के स्पार्टन उसे आसानी से ढूंढ लें, जो कि उसे लेकर जाते हैं प्लैनेट रीच पर। और उसके वहाँ पर जाने के बाद डॉक्टर कैथरीन उस डिवाइस को अपने पास रख लेती है उसे स्टडी करने के लिए, और साथ ही चीफ को भी उसे ही सौंपा जाता है क्योंकि इसी ने स्पार्टन्स को बनाया होता है। और यहाँ पर ये सब कुछ पूछने लगती है उससे उस डिवाइस के बारे में कि जब उसने उस डिवाइस को छुआ तो उसे क्या महसूस हुआ और वो वापस यहाँ पर क्यों आया जबकि वो यहाँ से भाग गया था, जिसे चीफ उसके बारे में सब कुछ बताते हुए कहता है कि वो पूरे यूनिवर्स में किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। और ये बात सुनकर डॉक्टर खुश होती है एक तरह से, और यहाँ से निकलकर वो जाती है अपने लैब में और कोर्टाना को वहाँ से बाहर निकालती है ताकि ये दोनों मिलकर उस डिवाइस के रहस्य को समझ सकें। और ये एपिसोड हो जाती है खत्म। और आगे के एपिसोड में हम जानेंगे कि उस डिवाइस का रहस्य क्या है और वो एलियंस उसके पीछे क्यों पड़े हैं। टिल देन चेक माय प्लेलिस्ट एंड हैव अ गुड डे।